आज लिस्ट टैग पढ़ने वाले हैं। तो लिस्ट के अंदर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसमें हम कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 ऐसे करके आएगा। और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होता है? वो बुलेट जो होता है ना, वो बुलेट पॉइंट वाला, उसको हम ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग होता है वो है यूएल, एंड जो ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है वो है ओएल। हम लोग आज पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। तो एलआई टैग का मतलब है लिस्ट आइटम, ठीक है? तो लिस्ट आइटम के हम लोग लिखते हैं आइटम 1, फिर इसको ये 2-3 बार कॉपी कर लेंगे। तो ये आइटम हो गया 2, ये आइटम 3, ये हो गया आइटम 4, ठीक है? तो देखो ये बुलेट्स में आ गया। अब हम इसमें और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक इसको सर्कल, इन सर्कल हुआ, और बुलेट्स हम चेंज कर सकते हैं, वो हम बाद में सीएसएस स्टाइलिंग में सीख लेंगे। तब के लिए अब होता है, अब हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में हम लोग का जो आता है वो है ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग 1, 2, 3 या रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यही कॉपी कर लेंगे, तो इसमें हमारा मदद होगा, टाइम से होगा। तो ये हो गया। देखो 1, 2, 3 आ गया। तो इसका अगर हम लोग, शायद हम लोग चाहते हैं कि ABCD ऐसा देना है, वो देना है, तो हम लोग कर लेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे एक एट्रीब्यूट, लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू ए मान लो। तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ABCD ऐसे लेगा। तो हम लोग रोमन 1 भी ले सकते हैं, तो जो चाहे वो ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लिस्ट, लिस्ट टैग्स।